हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 12th क्लास का सीबीएसई का 2021 और 22 का सिलेबस आ चुका है, जिसमें डिटेल में बताया है कि टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे। उसके अलावा क्या क्या वेटेज होगी, टर्म वन की क्या वेटेज है, टर्म टू के क्या वेटेज है। तो आप देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है हमारा कोर्स का, वो कैसे डिवाइड किया गया है सीबीएसई ने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टर्म वन जो है वो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप, असर्शन, फिलअप, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। टर्म टू जो है वो भी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होती है तो। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क के, यानी कि ये 80 मार्क्स आपको पेपर जो है एमसीक्यू या फिर रिटर्न फॉर्म में देना होगा, 20 मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। तो आपको अभी बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे टर्म वन में इंक्लूड हैं और क्या क्या उनको वेटेज मिली है। तो जो हमारी पार्ट वन बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से आपका चैप्टर वन है कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि चैप्टर हमारा इंक्लूड करता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर और कैसे दो ब्लॉक एमर्ज हुए, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट अरीनास थे कोल्ड वॉर के, क्या क्या चैलेंजेस थे बाइपोलैरिटी के। उसके बाद कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया गया, इंडिया ने कैसे अपने आप को दोनों ग्रुप्स जो थे उस टाइम पे उनसे अलग रखा, तो ये सारी डिटेल है हमारी चैप्टर वन में। चैप्टर टू जो है वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि जहाँ पे आपको सोवियत यूनियन के बारे में बताया है, कैसे गॉर्बचोव के जो इनिशिएटिव थे उनके बाद भी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं रुक पाया और क्या क्या रीज़न थे उसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, डिसइंटीग्रेशन जो था सोवियत यूनियन का उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, और उसी में है हमारा शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये टोटल वेटेज आपको देता है 8 मार्क्स की। फिर है आपका यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पूरा बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन क्यों इस्टैब्लिश किया गया था और कौन से ईयर में इस्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल, उसके मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। उसके अलावा इसमें आपको एजेंसीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। तो ये आपको टोटल जो वेटेज है उसका, मतलब टोटल वेटेज जो है इस चैप्टर की, दैट इज 6 मार्क्स। अब ये आपका फर्स्ट बुक जो है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से 3 चैप्टर हैं और पार्ट बी यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें से आपके 3 चैप्टर हैं, तो ऑलमोस्ट वेटेज इज इक्वल। जो आपकी सेकेंड बुक है उसमें से फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें पार्टीशन के बारे में बताया है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस थे जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद फेस करने पड़े। उसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे कन्वर्ट किए गए, तो वो सारी डिटेल है। फिर आता है जो कि लास्ट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपको मार्क्स दिला सकता है 4 मार्क्स। इसमें आपको प्लानिंग कमीशन क्या थी, क्यों बनाई गई थी वो पढ़ना है, और नीति आयोग जो है वो बहुत डिटेल में करना है कि कैसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया और वो किन किन चीज़ों में डिफरेंट था प्लानिंग कमीशन से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी प्लानिंग और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। फिर है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसमें कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताया है। तो ये है आपका 40 मार्क्स का टर्म वन के चैप्टर्स। तो टोटल मिला के आपके हैं 6 चैप्टर जो कि वेटेज है जिनकी 40 मार्क्स। अब देखते हैं कि टर्म टू में क्या क्या चीज़ें हैं। टर्म टू में जैसे कि बुक वन से है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें आपका ब्रिक्स, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये सारे जो नए सेंटर्स उभर के सामने आए हैं उनके बारे में बताया है। इसमें इंडिया के बारे में भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये आपको वेटेज दिलाता है 8 मार्क्स। फिर है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हमारे रिलेशन, इंडिया के रिलेशन बताता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। फॉर एग्जाम्पल अवर रिलेशन विद इन पाकिस्तान, अवर रिलेशन विद
बांग्लादेश और रशिया के साथ हमारे कैसे फ्रेंडली रिलेशन है, वो सारे रिलेशन के बारे में बताता है। देन ग्लोबलाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको दिलाता है, इसकी भी वेटेज है 6 मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन में जैसे कि मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन का, क्या क्या उसके मेन रीज़न थे ग्लोबलाइजेशन के, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो पता होना चाहिए। फिर है आपका सेकंड बुक से पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल के साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है और क्यों हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाईपोलर सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम क्या है, वो सारी डिटेल। ये जो टॉपिक है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये लास्ट टाइम ऐड किया गया था, इसमें कैसे हम लोगों ने डेमोक्रेसी को दोबारा से वापस लेके आए और कब हमें रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म होती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। तो दिस विल ऑल्सो गिव यू और मेक यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, तो ये भी आपको 6 मार्क्स की वेटेज दिलाता है। नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड दी डेवलपमेंट, यानी कि जो अभी जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये भी सेकेंड टर्म जो है वो आपका 40 मार्क्स का, टर्म वन आपका 40 मार्क्स का, टर्म वन में आपके 6 चैप्टर हैं, टर्म टू भी आपको कंप्लीट कराता है 6 चैप्टर। इसके अलावा जो आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए भी CBSE ने आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है, जो कि जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसके टाइम पे फॉलो करें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है कि आपको सबसे पहले अपना टाइटल या टॉपिक डिसाइड करना है, फिर आपने जो भी टाइटल सेलेक्ट किया उसके बारे में रिसर्च करिए, फाइंड आउट कीजिए, डाटा कलेक्ट करिए, फिर उस मटेरियल को अरेंज करिए प्रेजेंटेशन वाइज या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर उसको प्रेजेंट करना है आपने कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, PPT बना के प्रेजेंट करते हैं या फिर हैंड रिटन बना के प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करना है, यानी कि आप उससे अपना कोई ग्राफ बना के शो कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या बताता है, फिर एक रेलिवेंट कंक्लूजन जिसमें आप अपने अपने पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन देंगे, एंड दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है। अब जब आपका प्रोजेक्ट वर्क चेक किया जाएगा तो उसके लिए एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की गई है CBSE की तरफ से, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को इम्पॉर्टेंट बनाएंगी और आप अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक होना चाहिए, कॉजेज, अगर आपने कोई टॉपिक लिया तो उसके कॉजेज, इवेंट, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उसके अलावा उसके और क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है उस स्ट्रैटेजी की, वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, अप्रोच क्या फॉलो की है उसके लिए मार्क्स है, प्रेजेंटेशन और राइटिंग के लिए भी मार्क्स हैं आपके, और मटेरियल जो आपने रेफर किया है उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपने बिब्लियोग्राफी क्या ली है, रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट किया है, तो दिस विल ऑल्सो ऐड सम पॉइंट इन योर प्रोजेक्ट वर्क। सो दिस इज अबाउट योर 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। और ज़्यादा वीडियोस के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।